नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूटेक ई चैनल में हूं शंकर। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटेक ईजी में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक है, तो मैं बता दूं इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली दोस्तों, क्या होता है कि मैंने जो पहले वीडियो डाला था जिसमें बताया था कि मोबाइल यदि आप सेफ रखना चाहते हो, इन सभी बातों का ध्यान रखिए। उनमें से एक प्रॉब्लम थी कि एप्लीकेशन, यार हम बहुत सारे एप्लीकेशन में यूज आवश्यकता होती है, सिंपली उसको इंस्टॉल करके रखना पड़ता है, बार बार इंस्टॉल नहीं कर सकते, हमारी जरूरत है उनको इंस्टॉल करना। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में 2019 का सबसे बेस्ट ऐप लेकर आऊँ, अभी अभी जो है मार्केट में आया है, इसकी जो है नई अपडेट ही आई है अभी, मतलब दिसंबर के समथिंग में, 31 दिसंबर की इसकी जो नई अपडेट है। तो दोस्तों, इस एप्लीकेशन के अंदर क्या होगा कि आपको सारे एप्लीकेशन जो भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन वो एक ही ऐप में मिल जाएंगे। मात्र मतलब शायद 22 MB का ये एप्लीकेशन होगा, तो 22 MB के अंदर ही आपको जो है सारे के सारे ऐप मिल जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको वेब पेज ओपन होगा इसमें, कि कई एप्लीकेशन होते हैं जैसे कि उसको ऑन कर लिया, उसमें सारे के सारे फ्लिपकार्ट आ गया, अमेजोन आ गया, या फिर और जो भी सारे के सारे एप्लीकेशन आ गए उन पर क्लिक करते हैं तो उनका वेब पेज ओपन होता है। देखिए, इसमें बिल्कुल ऐप वाइज जो है बिल्कुल स्प्लिट में जो है ओपन होगा, वो किस तरह से होगा अभी हम देखेंगे। इसी ऐप के अंदर आपको अमेजोन मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ क्या होगा कि अलग अलग विंडो के अंदर आपको मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे अभी वीडियो में जानकारी दूंगा। बहुत ही काम का एप्लीकेशन है, अमेजोन हो गया, सोशल मीडिया जितने भी नेटवर्क हो गए, फेसबुक, व्हाट्सएप, जो भी इंस्टाग्राम वगैरह, जो भी सारे के सारे इस एक एप्लीकेशन में आ जाएंगे मात्र 22 MB के में, और बिल्कुल प्रॉपरली चलेंगे। ऐसा नहीं है कि यार मतलब वेब पेज में चलेंगे, उसी के साथ साथ जो भी मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट आपके जितने भी एप्लीकेशन है वो एक में मिल जाएंगे। मतलब जो स्टोरेज 10 मतलब कम से कम 300 से ज्यादा एप्लीकेशन इसमें होंगे, तो जो 300 ऐप से फिर जो 30-40 ऐप आप रखते हो अपने फोन में, वो ऐप जितनी स्टोरेज खर्च करते थे, जितनी हीटिंग आपको आपके सिस्टम को देते थे, जितनी हीटिंग आपके सीपीयू को देते थे, उस हीटिंग को मात्र जो है एक ऐप जो है कवर करेगा। तो देखिए कितना स्टोरेज आपका बचेगा और कितना झंझट खत्म हो जाएगा, और जो है ऐड वगैरह भी जो है एक से ही आएंगे, उसमें पहले भी वैसे भी कोई ऐड नहीं है मेरे हिसाब से, तो अभी देख लेते हैं। तो चलिए, इसी ऐप के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर में चलते हैं। प्ले स्टोर में आपको टाइप करना है ऐप ब्राउजर। तो ऐप ब्राउजर, वैसे तो इसे काफी लोग ऐप बाजार के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इसका नेम नाम ऐप ब्राउजर ही है, मैंने काफी इसका प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश की है। उसके बाद में देखिए आपको सिंपली क्या करना है, आपने प्ले स्टोर में चले जाना है। मैं सिंपली प्ले स्टोर को जो है ओपन कर लिया, प्ले स्टोर ओपन हो चुकी है। प्ले स्टोर ओपन होने ऊपर आपको लिखना है ऐप ब्राउजर, जैसे मैं पहले से लिखा हुआ है ऐप ब्राउजर। ऐप ब्राउजर पर आपको क्लिक करना है, सिंपली ऊपर वाला ही जो मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखी है, 4.5 रेटिंग है। अब इसकी डेट भी आपको दिखाई देता हूँ, नीचे लिखा हुआ है लास्ट अपडेटेड 26 दिसंबर 2018 को आया है। सिंपली इसको ओपन करना है, और इसको ऑल इन वन और ऑल इन वन के नाम से इसको जाना जाता है, और इसको सिंपली जो है हम ओपन कर लेते हैं। ऑनलाइन वन को जैसे ओपन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो इसको आगे हम ले जाते चलते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद इसको कुछ अलाउमेंट देने की होगी, तो आपको इसको अलाउ देने ना है। यहाँ पर आपको अपना नंबर डाल के इस पर साइन इन कर लेना है। मैं सिंपली अपना नंबर डाल देता हूँ, और सॉरी ये जो है मोबाइल की स्क्रीन जो है जूम हो चुकी है थोड़ा सा, मैं इसको फिर से नंबर जूम डल गए, मैं फिर से सही नंबर डाल देता हूँ और इसको वेरीफाई करते हैं। उसके बाद में OTP आएगा, और OTP देखिए अभी कुछ ही देर में आ जाएगा। OTP आने के बाद में क्या करना होगा आपको, डन करें। देखिए OTP आ चुका है, और सिंपली जो है OTP को आपको इसमें ऐड करना है। जो OTP क्या है वो देख लेता हूं मैं, OTP 3016, तो मैं इसको OTP को जो है 3016 जो आपको OTP है सिंपली वो ऐड कर देना है। सिंपली यहां पर आपको अपना OTP जो है ऐड करना है 3016, उसके बाद में आपको डन पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करने के बाद में देखिए कुछ इस तरह से जो है आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा, और ये देखिए ऑन हो रहा है धीरे धीरे। इस तरह से देखिए सारे के सारे आपको शॉपिंग के ऐप ऊपर मिल जाएंगे, जितने भी शॉपिंग के ऐप है ऊपर मिल जाएंगे। उसके बाद में देखिए इसके ये कोई ट्रेंडिंग न्यूज़ है वो भी आप इसमें पढ़ सकते हैं, और उसके बाद में देखिए यहाँ पर फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम हुआ, ये सारे के सोशल आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सिंपली इसको ऊपर जो है आ रहा है नो थैंक्स कर दीजिए। उसके बाद में आप रिचार्ज कर सकते हैं, मतलब शॉपिंग कर सकते हैं, फ्लाइट्स को बुक कर सकते हैं, फूड ऑर्डर कर सकते हैं, जोमेटो जो भी हुआ वो कर सकते हैं, यहाँ पर शॉपिंग के अलग है। उसके बाद में सोशल, यहाँ पर सोशल पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर इनमें सोशल ऐड कर सकते हो, और इस तरह से देखिए अलग अलग पेज में खुलेंगे। वो जो मैं आपको बता रहा हूँ, इधर फेसबुक, इधर इंस्टाग्राम, इधर ट्विटर, तो आप तीनों को एक साथ चला सकते हैं। बिल्कुल फेसबुक पेज में खुलेगा, वेब पेज में नहीं चल रहे हैं, बिल्कुल जो है प्रॉपरली काम करने वाले हैं। इंस्टाग्राम का पेज इधर आ गया। उसके बाद में देखिए एक्चुअली इसका दूसरा फायदा एक और मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए हम शॉपिंग का कोई ऐप ओपन करते हैं, यहाँ से हम शॉपिंग का एप्लीकेशन ओपन करते हैं, और इसको जो है यहाँ पर एड होम स्क्रीन पर करना चाहिए तो कर दीजिए। यहाँ पर शॉपिंग का जैसे हम ऑन कर लेते हैं, उसके बाद में क्या करना होगा आपको,
इस तरह से इसका अमेजोन आ गया, दूसरा फ्लिपकार्ट आ गया, दूसरा जो है अलग अलग आ जाते हैं जैसे स्नैपडील आ गया। तो आपको एक प्रोडक्ट उसमें सर्च करोगे तो आप चारों पर अलग अलग रेटिंग देख सकते हैं। जैसे मैंने कोई फोन किया, जैसे इन्फोकस ट्रूको पाइप कोई फोन है वो मैंने सर्च किया, तो अब अलग अलग एप्लीकेशन में आपको जाकर उसकी रेट देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर चारों एक जो है लगातार एक पंक्ति में ओपन हो रहे हैं, एक जो है लाइन में ओपन हो रहे हैं। तो आप इधर से जो है सिंपली ड्रैग करके ही सारे के सारे रेट्स चेक कर सकते हो, वो भी कोई वेब पेज में ओपन नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल ऐप की तरह जो है प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं। तो ये ऐप बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है इसको चलाना, क्योंकि ये ऐप आपके लिए बहुत जरूरी है, अपने फोन को मेंटेन रखने के लिए बहुत ही जरूरी है, आपकी सीपीयू को मेंटेन रखने के लिए। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं शंकर आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।